बूढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि थक कर बैठ जाएं आप। रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि अब किसी काम के नहीं हैं आप। कम से कम नए भारत में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज के भारत की सरकार युवाओं को तो नए नए अवसर दे ही रही है, बुजुर्गों के साथ भी खड़ी है। तो अगर आप भी रिटायर हो चुके हैं तो आपके पास भी फिर से नौकरी पाने का अच्छा मौका है। मोदी सरकार ने खास तौर से ऐसे ही लोगों के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये देश का अपनी तरह का पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। इस पोर्टल को सेक्रेट यानी सीनियर एबल सिटीजंस फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी नाम दिया गया है। इसको तैयार किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये पोर्टल ऐसे लोगों को वर्चुअल मैचिंग के आधार पर रोजगार का मौका देगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त सीनियर सिटीजंस को अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स की जानकारी देनी होगी। उन्हें ये भी बताना होगा कि वे किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। साथ ही जॉब देने वाले को भी ये जानकारी देनी होगी कि उसका काम किस तरह का है और उसे पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। सीनियर सिटीजंस के इस काम में मदद करेंगी एनजीओ यानी स्वयंसेवी संस्थाएं। हालांकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब ये कतई नहीं है कि ये कोई नौकरी की गारंटी है। वैसे देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1951 में जहां बुजुर्गों की संख्या 2 करोड़ थी, तो 2001 में 7.6 करोड़ और 2011 में 10.4 करोड़ हो गई। 2021 में लगभग 14 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में काम करने के इच्छुक बुजुर्गों को भी मौका दिया जा सके और उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सके, इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने ये पहल की है।